Welcome to Travel Sutra Suman's Way. Today we are in one of the oldest and iconic market of Delhi, जहां आपको मिलेगा सब कुछ. When it comes to shopping, we girls love to shop. और जब हम बात करते हैं best budget friendly market in Delhi, Sarojini Nagar will surely top the list. So here we are in Sarojini Nagar to explore the best out of it. वैसे this video is not all about exploring Essen, it's a challenge video too. जो मैं ले रही हूँ अपने आप को कंगाल होने से बचाने के लिए. एसन का मतलब लुटना, सारी जेबें यहाँ से खाली करवा के घर जाना. इसीलिए मैं आज यहाँ 1500 से ज्यादा खर्च नहीं करूंगी. सो लेट्स सी 1500 में क्या या कितना कुछ आज मुझे यहाँ मिलता है. अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो गेट नंबर 1 से एग्जिट करें और सरोजनी नंबर के गेट नंबर 3 से एंट्री करें. यहाँ एंट्री करते ही सबसे पहले हमें नजर आए ये हैंडमेड इयररिंग्स और यही पहली हरी पत्ती मेरे जेब से निकली. तो ये इयररिंग्स है 50 रुपीज के और साइड में ये है 30 के सेल. सबसे जरूरी बात गर्ल्स, ये बहुत ही लाइट वेटेड है विच मेक्स देम परफेक्ट फॉर द समर. Essen is not just about the clothes. यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, shoes, purse, accessories, घर का सामान, चाहे फिर वो किचन के utensil हो या फिर घर को सजाने के लिए decorative materials, वो भी सब किफायती दामों में. Summer is here, so we need tank tops and crop top. और Essen में इस बार ये भर भर के हैं. ये इजीली आपको सेल में 100 से 150 में मिल जाएंगे. क्रॉप टॉप के बाद अगर समर कलेक्शन में कुछ नजर आया एसएन में तो वो है ये पैंट्स. ऑलमोस्ट हर दूसरी शॉप में ये थे. सेल में ये है 150 रुपीस के एंड देयर क्वालिटी इज नॉट बैड एट ऑल. अगर आप ये पैंट्स या ट्राउजर्स सेल से नहीं लेना चाहते देन ये 500 से स्टार्ट है. बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं. जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें लगती है बहुत तेज भूख और एसन जहाँ सुबह से लेकर शाम हो जाती है शॉपिंग करते करते और शॉपिंग खत्म ही नहीं होती, वहाँ तो भूख से बेहाल होना बनता है. तो एसन में शॉपिंग के साथ साथ पेट पूजा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं और मोमोज यहाँ बहुत सही मिलते हैं. स्पेशली ये मॉल के ठीक सामने जो फूड स्टॉल है यहाँ के मोमो ट्राई करने बिल्कुल बनते हैं. तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट हुई हमारी शॉपिंग और हम पहुंचे दी फेमस ग्रेफिटी लेन जो कि अब हो चुकी है गायब. रेनोवेशन के बाद अब हम सबकी फेवरेट ग्रेफिटी लेन हटा दी गई है और वहां लिखा है सरोजनी मार्केट. मुझे एक लॉन्ग मैक्सी ड्रेस लेनी थी एंड एसएन इज फेमस फॉर इट्स लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस और एक टाइम था जब ग्रेविटी लेन में वो बेस्ट मिलती थी. तो मैक्सी ड्रेस ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची यहाँ और मुझे नजर आया कुछ अलग जो अभी तक सरोजनी नगर में नहीं दिखा था और वो है ये कोएड सेट. These are perfect for summer, colorful, light, breezy and after bargaining ये मुझे पड़ा 650 रुपीस का. वैसे सरोजनी नगर में सिर्फ ये स्ट्रीट शॉप ही नहीं है, if you are brand conscious then यहाँ शोरूम भी है जैसे कि बिक्सी और बिक्सी के ठीक सामने है ये शॉप जहाँ से मैंने लिया ये कोट सेट. तो ये आउटफिट लेने के बाद हमें नजर आई ये सिल्वर ज्वेलरी एंड सरोजनी नगर और जनपद इज परफेक्ट प्लेस फॉर सिल्वर ज्वेलरी लवर. और ये सारे जो नेक पीस है वो 150 से लेकर 300 की रेंज में है. चोकर, लॉन्ग सिल्वर नेक पीस, ये कलरफुल सिल्वर ज्वेलरी बहुत ऑप्शंस है. मैंने लिए ये नोज पिंस विच कॉस्ट मी 30 रुपीस ईच. ड्रेस, एसेसरीज, हील्स इज इनकम्प्लीट विदाउट अ नाइस बैग. और एसएन में आपको हर तरह के बैग मिलेंगे, बैकपैक, बोहेमिया, हैंडमेड, क्लच, शोल्डर बैग, डफल और ये सब मिलेंगे बजट फ्रेंडली प्राइस में. जैसे ये बैग है 500 रुपीस का, ये एक सेल थी जहाँ पर ये जितने भी बैग्स आप देख रहे हैं ये सारे 500 के हैं. और उसके बाद बिक्सी के ठीक सामने है ये एक शॉप जहाँ पर अनलिमिटेड बैग्स के ऑप्शंस है और इन सब के प्राइस अलग अलग है. This time सरोजनी नगर disappointed me when it's come to maxi dress. शाम हो गई और मुझे एक अच्छी सी लॉन्ग ड्रेस नहीं मिली फॉर माई नेक्स्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन.
रीजन में भी कि मैं बहुत जल्दी यहाँ आई हूँ और अभी समर कलेक्शन वही लास्ट ईयर वाला चल रहा है, कुछ नया मुझे नजर नहीं आया। जितने भी डिजाइन थे वो सारे लास्ट ईयर के हैं, कोई वाव फैक्टर नहीं था। सो आई एडवाइस, अगर आप समर शॉपिंग के लिए सरोजनी नगर आने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर ले, मे बी अप्रैल में यहाँ बेहतर समर कलेक्शन कुछ नया आपको देखने को मिले। तो मैक्सी ड्रेस तो नहीं मिली, बट आई फाउंड दिस पीस एंड इट कॉस्ट मी आफ्टर बार्गेनिंग 150 रुपीज। तो 1500 का टारगेट था एंड आई एम शॉक्ड कि वो अचीव नहीं हुआ। नहीं, मेरी शॉपिंग बिल्कुल भी 1500 से ऊपर नहीं गई, इनफैक्ट वो 1500 तक भी नहीं पहुंची। 1200 में मेरी शॉपिंग कंप्लीट हुई। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि एसएन में फिलहाल कलेक्शन अच्छा नहीं है, स्पेशली लॉन्ग समर ड्रेसेस में। क्रॉप टॉप और पैंट्स हैं भर भर के लिए, उसके लिए आप यहाँ डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग समर ड्रेसेस के लिए एसएन आने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाए। मैंने आज यहाँ क्या क्या लिया वो तो मैंने आपको दिखा दिया है, बट हाउ इट टर्न्स आउट दैट आई विल शो यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, जो कि एक ट्रैवल व्लॉग है। तो कंप्लीट लुक देखने के लिए वेट करें। और अगर आप हमारे चैनल ट्रैवल सूत्रा सुमन स्वे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप भी हाल फिलहाल में सरोजनी नगर गए हैं और आपको भी अगर इस बात थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है सरोजनी नगर से, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी वादियों में।